नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में 600 से अधिक मंडलों ने मांगी गणेश उत्सव की अनुमति, नगर निगम ने विसर्जन व्यवस्था पर खर्च किए 1 करोड़। भ्रष्टाचार का खुलेआम समर्थन करने वाला वीडियो हुआ वायरल, ग्राम विकास अधिकारी ने कहा खाना हमारा अधिकार। और नागपुर में जबरन पैसे छीनकर भागने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 84,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के 2 साल बाद हर तरफ उत्साह का माहौल है, क्योंकि गणेश उत्सव बिना किसी रोक टोक के हो रहा है। सार्वजनिक मंडल उत्साहित है। शहर के 603 सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों ने आवेदन किया है। पिछले साल 550 मंडलों ने उत्सव मनाने के लिए आवेदन किया था। घरेलू मूर्तियों की संख्या 2 लाख से अधिक है। इसे देखते हुए अनंत चतुर्थी पर नगर निगम प्रशासन ने निर्माल्य संग्रह विसर्जन की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल 1,27,776 मूर्तियों को कृत्रिम झीलों में विसर्जित किया गया था। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय और थैलेसीमिया और सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से थैलेसीमिया और सिकल सेल परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों में इन दोनों रोगों के प्रति जागरूकता एवं विद्यार्थियों के आवश्यक परीक्षण किए जाएंगे। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी और डॉक्टर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया विक्की रघवानी ने मंगलवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिकल सेल और थैलेसीमिया ऐसे रोग है जो जीवन में मृत्यु का कारण बनते हैं। शादी से पहले बरती जाने वाली सावधानियों से ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर रघुवानी ने इसे शुरू करने की मांग की थी। अब वह मांग पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर के भारतीय सेना के इंजीनियरों ने आज 6 दिनों के रिकॉर्ड समय में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सुखतवा नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। जीओसी पीएमपी सब एरिया द्वारा ब्रिज को नागरिक प्रशासन को सौंप दिया गया है। इस पुल का निर्माण काम 26 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। आज 6 दिनों के रिकॉर्ड समय में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सुखतवा नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए निर्बाध और समन्वित नागरिक सैन्य प्रतिक्रिया का एक आदर्श उदाहरण रहा है। इस बेली ब्रिज के निर्माण ने मध्य प्रदेश में NH-46 पर नागपुर भोपाल कॉरिडोर पर दिन रात कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की बहाली सुनिश्चित की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे नर्मदापुरम जिले के लोगों को राहत मिली है, जिनका दैनिक जीवन काफी प्रभावित हुआ था, क्योंकि भारी मानसून के कारण वे नियमित रूप से परेशान थे। ये बेली ब्रिज 3.5 मीटर चौड़ा और 90 फीट लंबा सिंगल लेन बेली ब्रिज है, जो भारी ट्रैफिक को बनाए रखने में सक्षम है। ये पहली बार है कि मध्य प्रदेश के किसी राज्य में भारतीय सेना ने इस विनिर्देश का एक पुल बनाया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। बुलडाना जिले की बड़ी ग्राम पंचायतों में एक डोनगांव की एक ग्राम विकास अधिकारी और एक महिला सरपंच के बीच भ्रष्टाचार का खुलेआम समर्थन करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खाना हमारा अधिकार है, मतदाता चोर है। देखा जा रहा है कि वो महिला सरपंच को ऐसी सलाह दे रहे हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय में हाल ही में हुई चर्चा में ग्राम विकास अधिकारी ज्ञानेश्वर चंखुरे, नवनिर्वाचित महिला सरपंच रेखा पांडव सहित अन्य पदाधिकारी व्यवहारिक ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। काम और लेन देन का विषय आया तो ग्राम विकास अधिकारी ने कहा, हम यहाँ सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं और खाना हमारा अधिकार है। ऐसी नकद सलाह महिला सरपंच को दी गई थी। लोगों को मूर्ख मत बनाओ, चाहे आप कैसे भी व्यवहार करें, आप बुरे बने रहेंगे, भले ही आप सड़क पर सोने के अक्षर बोए यह झूठ को सामने लगाए। उन्होंने कहा, मुफ्त में वोट किसने किया वह चोर है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लागू की गई पहल आजादी से अंत्योदय तक में वर्धा जिले को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में चुना गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10 अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से 22 अप्रैल से देश के चुनिंदा 75 जिलों में इस पहल को लागू किया गया था। इसका समापन 15 अगस्त को हुआ था।
इस अवधि के दौरान सभी 75 जिलों में 17 विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। उसके बाद योजना को लागू करने वाले सभी जिलों में कार्यों की समीक्षा की गई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों के चयन की घोषणा की गई है। दिल्ली में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में चयनित जिलों के कलेक्टरों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। सबका फिर से स्वागत है। नागपुर में आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसके साथ समीक्षा बैठक भी इस वक्त ली गई। होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव के विषय पर इस बैठक में चर्चा की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस वक्त सहभाग लिया था। महाराष्ट्र प्रदेश के विदर्भ जोन की कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक के साथ साथ कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर के रूप में आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें आने वाले जो नगर पालिका, नगर महापरिषद, नगर निगम आदि के चुनाव के संबंध में किस तरह से हम अपना महापौर बनाएंगे, उस संबंध में चर्चा के संबंध में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ महाराष्ट्र सहित तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के प्रदेश प्रभारी नितिन सिंह जी, प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष ताजने जी, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी प्रमोद रैना जी, डोंगरे जी, यहां पर विदर्भा जोन के इंचार्ज हैं, आए हुए हैं, साथ ही सभी प्रदेश कमेटी के लोग हैं, जिसमें किस तरह से हम नागपुर के महापौर को बहुजन समाज पार्टी अपना बना पाए, इस पर चर्चा के संबंध में बुलाया। नागपुर के पाँचपावली पुलिस थाना अंतर्गत LNT फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर चोरी करने का प्रयत्न किया गया था, पर वादी उनके झांसे में ना आने से उन्होंने जबरन 2000 रुपए छीनकर तीनों आरोपी फरार हुए थे। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से 84,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर लिया है। पाँचपावली पुलिस थाना अंतर्गत वादी परितोष निराई मन्ना पाँचपावली पुल से गोलीबार चौक की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आए तीन लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी और LNT फाइनेंस कंपनी से होने का दावा किया और उन्हें बताया कि आपने अपनी गाड़ी का हफ्ता नहीं भरा है,
तो गाड़ी हमें दे दीजिए। लेकिन जब वादी ने गाड़ी देने से इनकार कर दिया तब उन्होंने जबरदस्ती 2000 रुपये छीन कर भाग गए। इस मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से तीनों के मोबाइल, आरोपियों की सिल्वर रंग की दोपहिया गाड़ी और चोरी किए हुए 2000 रुपये, ऐसा कुल 84,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त कर लिया गया है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। दिनांक 28/8/2022 सदर गोड्यातील फिर्यादी आहे परिकोष निराई मन्ना, वय 40 वर्षे, राहणार उप्पलवाडी सुरादेवी स्वराज टाउन पोलीस स्टेशन पोराडी नागपूर। हे त्यांचे कामावर जात असताना कमाल चौक ते पाचपावली ब्रिज दरम्यान त्यांचा पाठलाग करून येथील आरोपितांनी पाचपावली ब्रिजवर त्यांना अडवलं आणि त्यांना सांगितलं की आम्ही फायनान्स कंपनी L&T फायनान्स कंपनीचे माणसं आहोत आणि तुम्ही इन्स्टॉलमेंट भरलेले नाही आहे वाहनाचे, दुचाकी वाहनाचे, त्यामुळे तुम्ही ती गाडी द्या आणि पैशाचे इन्स्टॉलमेंट भरा। त्यावर त्यांनी नाही सांगितलं, त्याला संशय आला, क्लिअर दिला की नेमकं काय प्रकार आहे म्हणून। त्यांनी नाही म्हणून सांगितलं असता त्याच्यावर बळजबरी करायला लागले तीन आरोपी आणि त्यापैकी एका आरोपीने महाराष्ट्र कारागार विभाग और सुधार सेवाएं नागपुर सेंट्रल जेल ने 1 सितंबर को झंडा दिवस के अवसर पर एक जेल सभा कार्यक्रम का आयोजन किया। जेल में बंद दोषियों के किशोरों से सीधे मिलने के इस कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस वक्त पुलिस के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज सारे महाराष्ट्र में कारागृह महाराष्ट्र कारागृह ध्वज दिन के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण सारे कारागृह में हुआ है। उसी के साथ साथ उसी का एक भाग या उसी का एक क्या कहेंगे उसको उपक्रम के माध्यम से हमने नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में गला भेंट ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सारे शिक्षा दिन बंदी जो है उनके जो बच्चे हैं जो 16 साल के नीचे हैं उनको उस माध्यम से मिलाना है ताकि उनकी शिक्षा के बारे में, घर की जानकारी के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और फैमिलियर जो भी चीज़ें हैं वो मिलके अपने आप वार्तालाप हो, इसका यही एक उपक्रम है और इसी माध्यम से हमने उनको दोनों को यहाँ मिला के दिया है। ये भावनिक जरूर है, ये कार्यक्रम गड़ा भेंट ये कार्यक्रम लेने का मकसद ये है कि कई दिनों से ये जो बंदी हैं उनके परिजनों से मिलते नहीं हैं, खाली मुलाकात के माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं, अपने घर के लोगों के तक पहुंचाते हैं, पर ये गड़ा भेंट ऐसा एक उपक्रम है कि आमने सामने बैठ के जो सारी चीज़ें हैं, कोई समस्या है, कोई उलझने हैं या कोई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, शैक्षणिक प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें उनके माता पिता के समक्ष रखते हैं और वो वहाँ से उनका वो एक प्रकार से नियोजन या फिर कोई सोल्यूशन उस माध्यम से निकाला जा सकता है, निकलता है। अमरावती शहर के महादेवखोरी इलाके में आज गुरुवार 1 सितंबर को तेंदुए के दो शावक मिले। इन शावकों के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और हड़कंप मच गया है। दोनों शावकों को वन विभाग की टीम द्वारा वडाली स्थित वन विभाग के पार्क में भेज दिया गया है। इन शावकों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने तुरंत इन बछड़ों को रेस्क्यू कर रेफर किया। विधायक राजू पारवे ने बुधवार को नागपुर उमरेड राष्ट्रीय राजमार्ग पर चांपा टोल प्लाजा का दौरा किया। विधायक ने टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए मात्र 315 रुपये मासिक दर में उमरेड करों को समायोजित करने की मांग की। इस समय उन्होंने ये भी मांग की कि क्षेत्र में इस सड़क से सटे कई नागरिकों की खेती और घर इस सड़क में चले गए हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गुंडेशाही वगैरे इकडे चालणार नाही, तो कोण पॅरेखान आरेखान इकडे चालत नाही माझ्याकडे। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।